बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद किचन विद रुख। तो आज किचन विद रुख में बनाएंगे हम बहुत ही यमी सा ट्राइफल। तो ट्राइफल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फ्रेश दूध लिया है, दो किलो डिब्बे वाला दूध का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे पास फ्रेश दूध है और फुल क्रीम दूध है। तो इसको हमने यहाँ पर बॉयल होने के लिए रख देना है। इसमें से एक कप दूध मैं निकाल लूँगी, जिसमें हम कस्टर्ड ऐड करके इसका बैटर सा तैयार करेंगे, क्योंकि कस्टर्ड जो है वो डायरेक्ट दूध में शामिल नहीं करते हैं। पहले हम इसका बैटर तैयार करेंगे ताकि दूध में इसकी गुठलियां ना बने। तो दूध यहाँ पे मैंने ले लिया है और उसमें है ऐड करेंगे हम बड़े वाले चम्मच 3 भर के कस्टर्ड के। कस्टर्ड आप अपनी पसंद का ले सकते हैं, कोई सा भी, किसी भी फ्लेवर का। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। तो जी, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। बैटर हमारा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। यहाँ पे हम दूध देख लेते हैं जो कि बॉयल हो चुका है। जैसे ही हमारे दूध में बॉयल आएगा, हम इसमें जो बैटर है तैयार किया था हमने कस्टर्ड पाउडर का, उसको पहले से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें जो कस्टर्ड है वो नीचे बैठ जाता है। तो इसको पहले मुकम्मल तौर पे आप हल करें और फिर इसे दूध में शामिल कर दें। साथ साथ आप चम्मच चलाते जाएं ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। चीनी ऐड कर देंगे हम इसमें, फ्लेम हमने लो कर दी थी बिल्कुल भी, और अच्छे से हम इसको पकाते जाएंगे चलाते हुए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर हमारा तैयार हो चुका है कस्टर्ड का, क्रीमी सा। हम इसको थोड़ा थिक बैटर चाहिए, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। रेडी हो चुका है एकदम। अच्छे से हम इसको चलाते रहेंगे और ठंडा करते जाएंगे। ऐसे करने से जो है हमारा कस्टर्ड वो क्रीमी सा बनेगा और इसमें जो बलाई जम जाती है वो भी नहीं जमेगी। इसलिए आपने इसको मुकम्मल चलाते हुए ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर हमने जेली तैयार करनी है। तो 2 कप मैंने पानी के लिए हैं, फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, और जैसे हमारा पानी गर्म होगा हम इसमें जेली पाउडर ऐड कर देंगे। जेली भी आप अपनी पसंद की ले सकते हैं किसी भी फ्लेवर में। अच्छे से चलाते हुए हमने मुकम्मल तौर पे जेली को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे और जेली को ठंडा कर लेंगे। जेली हमने फ्रिज में रखी है, रेडी हो चुकी है। सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी जो चीजें हैं वो सारी रेडी हो चुकी हैं, जेली भी ठंडी हो चुकी है और कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो चुका है। हम जेली को कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। फ्रूट केक हमने ले लेना है, जिसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। एक तह हमने लगानी है केक की, फ्रूट केक की, और उसके ऊपर एक तह हम लगाएंगे फल की। कितने पाई में नहीं है। आप किसी भी किस्म का फल ले सकते हैं या आप इसमें कॉकटेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया था कस्टर्ड जो हमने पहले से तैयार कर लिया था, उसके ऊपर हम जेली लगाएंगे। नट्स हमने लिए हैं यहाँ पे, आप किसी भी किस्म का नट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सारे हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे से फैलाने के बाद वीडियो ऊपर फिर कस्टर्ड ऐड कर देना है। फिर से हमने जाली की तह लगा लेनी है। मज़ेदार सा हमारा जो है कस्टर्ड वो तैयार हो चुका है। अभी हमने क्रीम ली है, अच्छे से हम इसके ऊपर क्रीम ऐड कर देंगे। तो जी, हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।